सो हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप आप सभी लोग फाइन होंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सूएट पीजी जी सो आपको पता ही होगा कि आपके एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो ऑलरेडी आ चुकी हैं यू जी सी नेट की भी आ चुकी हैं और सूएट पी जी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेशन की भी डेट्स आ चुकी हैं सो so, जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो मई में होने वाले हैं लेकिन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है तो जल्दी ही वो स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो भी अपडेट्स होंगी वो भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी सो so, फिलहाल इस वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो का जो कंटेंट रहने वाला है आगे जो वीडियो में देखने वाले हो वो होने वाला है आपका न्यू पैटर्न कि इस साल आपका स्वेट का कौन सा पैटर्न होगा कौन सी यूनिवर्सिटीज उसके अंदर आएंगी क्या डिफरेंस आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा क्या डिफरेंस आपको पैटर्न में देखने को मिलेगा उसमें लगभग एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है तो क्या ऐसे में स्वेट का Uh, जो लेवल है वो कितना चेंज होगा बिकॉज अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए लें तो इस बार सोएट में जो है uh, जो पिछले साल एग्जामिनेशन हुआ है उसमें आपका जे भी था बी भी था और अदर यूनिवर्सिटीज़ भी थी तो कहीं ना कहीं जे एन का जो लेवल था वो अदर यूनिवर्सिटीज़ से काफ़ी बढ़कर है तो ऐसे में कन्फ्यूजन्स थी कि पेपर का जो टफनेस है पेपर का जो लेवल है वो किस लेवल तक क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या पैट चेंज हो सकता है ठीक है इसी तरीके के क्वेश्चन इस साल भी होंगे क्योंकि इस बार जो है जो ड्यूएट है मोस्ट प्रोबेबली आपका सुएट के अंदर मर्ज हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली और ऑलरेडी अगर हम न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स की माने तो जो सोर्सेज का कहना है वो यही कहना है कि इस साल हो सकता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस है वो भी आपका सूएट के अंदर ही आ जाए सो so अगेन पिछले साल की तरह इस साल भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कितना लेवल आपका पेपर का चेंज होगा क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया गया है सुएट में ऑफिशियली वो बहुत ही छोटा है और वो मुश्किल से आपका जो है एक महीना उसके लिए मैक्स टू मैक्स लगता है एक महीना मैं आपको मैक्सिमम बोल रही हूँ उस कवर uh, सिलेबस को कवर करने के लिए जितना आपको ऑफिशियली दिया जाता है सो so, इस वीडियो में वही सब बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन सी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कितना सिलेबस आप लोगों को कवर करना है कि आपका जो सिलेक्शन है वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि डी यू जेन यू बी एच यू ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए और इनमें ना भी हो पाए तो कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी आपको मिल सके ठीक है सो so, स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन तो अभी जो करंटली मैंने अपने स्क्रीन पे ओपन कर रखी है ये है आपकी सूएट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो इसमें अभी सिलेबस अपलोडेड है वो 2022 का है क्योंकि अभी 2023 के एप्लीकेशंस नहीं आए हैं तो न्यू uh, न्यू बुलेटिन आएगा आपका और न्यू सिलेबस आएगा लेकिन जहाँ तक है आपका सिलेबस पुराने वाला ही रहने वाला है सिर्फ यहाँ पे अपडेट करके 2023 कर दिया जाएगा ठीक है सो मोस्ट प्रोबेबली आपको वही सिलेबस रहने वाला है और आप चाहे तो इसमें से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन चीजों की थोड़ी सी जिन बच्चों को अगर नहीं पता है फिर भी तो आ, जो आपका पेपर होता है उसमें आपको जो है दो घंटे का समय दिया जाता है ठीक है दो घंटे का आपका पेपर होता है और उस दो घंटे के पेपर में आपका जो मार्क्स होते हैं राइट आंसर के लिए वो होते हैं आपके फोर मार्क्स ठीक है फोर मार्क्स का आपका एक राइट right आंसर माना जाता है जैसे कि डुएट में था और जो आपका गलत आंसर होगा उसके लिए आपकी माइनस वन की जो होती है मार्किंग होती है ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है सो so, ये एक छोटा सा पैटर्न मैंने आप लोगों को समझा दिया होपफुली सबको पता ही होगा लेकिन जिनको नहीं पता उनके नहीं है उनके लिए एक बार जस्ट मैंने रिमाइंड करवा दिया है ठीक है अब बात कर लेते हैं सिलेबस की तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस सिलेबस की बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली सब पॉलिटिकल साइंस के हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसके पी के बुलेटिन जो था टू का उसमें आपको कोड दिखा देती हूँ कि आपका पॉलिटिकल साइंस का कोड क्या है अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है स्वर्ड के रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग लाइक आपको कोई भी सिलेबस भी डाउनलोड करना है तो आप इस वाले कोड को फॉलो करेंगे पीजी क्यूपी फोर टू ठीक है ये आपका पेपर कोड है तो इस पॉलिटिकल साइंस में आपका क्या क्या फील्ड आने वाली है वो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स विद स्पेशन इंटरनेशनल स्टडीज जो कि आपका जे में होता है इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज जो भी आपका जे में होता है तो इन सभी के अंतर्गत जो भी आप एडमिशन लेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेंगे वो आपका सुवेट पी के अकॉर्डिंग ही होगा ठीक है सो so, अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की सो so, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिलेबस फॉर पॉलिटिकल साइंस और साथ में आपका पेपर कोड लिखा है तो so, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ उसके बाद जो चीज़ें मुझे स्पेशलिस्ट वीडियो में समझानी थी जिसके लिए मैंने ये बनाया है वीडियो तो वो मैं आपको बताऊँगी सो so, पहले आप एक बार ही थॉरोलीस को देख लो पहले आपको दिया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट फिर आपको दिया है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थाट देन पॉलिटिकल थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशनस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कंपेर टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया एंड द जनरेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलिवेंस जिसमें कि आपका ग्लोबल जस्टिस नेशनलिज्म एंड द क्लाइमेट चेंज थिंग्स हैं ठीक है अब देखा जाए तो ये सिलेबस बहुत ही छोटा है बहुत छोटा भी नहीं है मतलब कि अगर आपकी साउंड नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में अगर आपने यू जी में बहुत अच्छे सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको ये सिलेबस काफ़ी हद तक ईजी दिख रहा होगा ठीक है और मैक्स टू तो मैक्स वन वन मंथ आपके सिलेबस कवर करने में लगेगा वन टू वन पॉइंट फाइव आपके लिए बहुत होगा इस सिलेबस को कवर अप करने के लिए लेकिन द थिंग इज क्योंकि जो आपका स्वेट होता है उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं और अक्सर जो आपकी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अब के अंदर आ चुकी हैं तो सुट का पेपर का जो पैटर्न है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है ठीक है अब वो चेंजमेंट क्या आई है लास्ट ईयर से जो हमें देखने को मिली है वो मैं आपको बता देती हूँ आपके जो क्वेश्चन हैं वो जो है काफ़ी डीप से आने शुरू हो गए हैं डीप से आने का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं सिलेबस से आ रहे हैं लेकिन उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज की ज़रूरत है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एंट्रेंस गाइड ले लिया है आपने उसको परचेज कर लिया और उसको ऊपर से पढ़ के चल गए फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में आपकी आर गुप्ता आती हैं अरिहंत आती हैं और भी अदर पब्लिकेशन के आती हैं ठीक है मैं किसी पब्लिकेशन को बुरा नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ कि सिर्फ उन बुक पे रिलाई करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन ठीक है क्योंकि uh, उसमें जो चीज़ें दी होती हैं बहुत ऊपर ऊपर से दी होती हैं और अगर आप सिर्फ उसके भरोसे जाओगे तो आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ठीक है तो बात रही कि आपका पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज चुका है चेंज हो चुका है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल चेंज हो चुका है मीडियम क्वेश्चंस भी आते हैं इजी क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन जो मीडियम क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफिकल्ट लगने लगेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है ठीक है डीप नॉलेज का मतलब ये है कि अब आपसे प्रॉपर डेफिनेशंस पूछे जाने लगी हैं पर्टिकुलर थिंकर्स की और वो आर्टिकल्स पूछे जाने लगे हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं कुछ आर्टिकल्स की प्रोविजन पूछे जाने लगे हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थ्योरी के थ्योरेटिकल बेसिस पे आने लगी हैं ठीक है तो वो थ्योरेटिकल बेसिस की जो नॉलेज है वो आपको अच्छे से जब स्टडी करोगे बुक से स्टडी करोगे तो ही आपको मिलेगी ठीक है सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या ये सिलेबस एनफ है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये बहुत बारी क्वेश्चन मेरे से बच्चों ने पूछा भी है कि क्या ये सिलेबस एनफ है तो मैं बोलूँगी नहीं ठीक है बिल्कुल आपको सिलेबस तो फॉलो करना ही करना है आपको हर चीज में जो भी आप पेपर देने जाते हो अगर उस चीज का सिलेबस आपके पास अवेलेबल है अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपका पेपर हो जाएगा लेकिन मैं आपको क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ चाहिए लाइक जे चाहिए डी चाहिए बी चाहिए या फिर और कोई अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें भी आपका मन है तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको सिलेबस से आगे पढ़ने की ज़रूरत है सिलेबस से आगे बढ़ने की ज़रूरत है ठीक है आगे कैसे बढ़ना बहुत आगे नहीं जाना है कुछ रैंडम टॉपिक्स उठा के नहीं पढ़ने हैं जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ जैसे कि इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में जो आपके थिंकर्स दिए हैं ये काफ़ी हद तक काफ़ी हैं अगर आप इनको भी कवर अप कर लेते हो तो चल जाएगा लेकिन इसके सिवा आपको लाइक मैरी वोस्टन क्राफ्ट करने की ज़रूरत है और आपका जो है मार्क्स करने की ज़रूरत है काल मार्क्स इसमें दिया भी हुआ है और भी कुछ थोड़े बहुत थिंकर्स हैं जो आपको करने की ज़रूरत है वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफी में ठीक है थोड़ा बहुत आप एडमिट बर्ग को पढ़ सकते हो और बैंथम को पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत आप बाकी जो अदर थिंकर्स रह गए हैं उनको पढ़ सकते हो ठीक है लेकिन फिर भी इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफी के काफी थिंकर्स ऑलरेडी कवर हैं ठीक है अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सो so, मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट करूंगी कि आप बिल्कुल भी सिर्फ इन थिंकर्स के भरोसे बिल्कुल मत जाना क्योंकि एन कभी भी अपना पैटर्न फॉलो नहीं करता है फॉर एग्जांपल Uh, जो यूजीसी का पेपर है उसमें बोला जाता है कि आपका पेपर वन में हर यूनिट से पांच क्वेश्चन आएंगे लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है किसी भी यूनिट से वो तीन क्वेश्चन दे देते हैं किसी भी यूनिट से वो सात क्वेश्चन दे देते हैं ठीक है तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि पेपर एग्जैक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा नहीं आएगा तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में आपको और भी थिंकर्स कवर अप करने हैं जैसे कि आपका लोहिया हो गए उपाध्याय हो गए सावरकर हो गए सावरकर इसमें भी दिया हुआ है विवेकानंद हो गए जे पी नारायण हो गए और नेहरू जी हो गए और और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत है उनको पढ़े बगैर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेंगी और क्यों ना पढ़ो आप क्योंकि वो आपके बहुत ही बेसिक से थिंकर्स हैं जो आपका बेस बनाते हैं पॉलिटिकल साइंस का ठीक है क्योंकि जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में सिलेबस में आप इतने सारे थिंकर दे रहे हो तो पता नहीं इन लोगों ने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को इतना कम क्यों दिया है जबकि आपको बाकी लोगों के पढ़ने के से पहले आपको अपने लोगों की जानकारी होगी तभी तो आप तभ दूसरों के बारे में पढ़ पाओगे ना जब आपको अपने ही देश के जो आपके मेन लीडर्स हैं उनके बारे में नहीं पता होगा उनके बारे में जानकारी नहीं होगी उनको कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता होगा सो व्हाट्स द पॉइंट क्या वेस्टर्न के इतने सारे पढ़ो सो वेस्टर्न के भी पढ़ने हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इंडियन पॉलिटिकल थाट के और भी थिंकर्स को पढ़ना है ठीक है उसके बाद बा, अब आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी पे। पॉलिटिकल थ्योरी पे लगभग लगभग इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस सोवरेनिटी वगैरह क्योंकि ये इसलिए एनफ हैं क्योंकि इसके अंदर जो बहुत सारे थिंकर्स आपके आ जाते हैं जस्टिस जस्टिस में आपके रॉबर्ट नॉजिक की भी थ्योरी आएगी जॉन रॉल्स की भी थ्योरी आएगी सिटीजनशिप में आपके बहुत सारे थिंकर्स आएंगे और थिंकर्स आएंगे मार्क्सिस्ट थिंकर्स आएंगे कॉस्मोपोलिटनिजम भी आएगा ठीक है तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में भी आपके हंटिंगटन भी आएंगे तो इसमें बहुत सारे थिंकर्स आपके पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं ये आप फॉलो कर भी लोगे तो भी आपके लिए बहुत होगा ठीक है आ, उसके बाद आपका इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाता है जिसमें कि इन्होंने अगेन बहुत कम सिलेबस दे रखा है इन्होंने सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म दे रखा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही करने हैं इनके कुछ पार्ट होते हैं कुछ तरीके होते हैं जैसे कि रियलिज्म के बाद आपका न्यू रियलिज्म आता है लिबरलिज्म के बाद आपका न्यू लिबरलिज्म आता है और डिबेट्स आती हैं दोनों के बीच में आइडियोलॉजीज का डिफरेंस क्या होता है कौन से थिंकर्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं उन थिंकर्स की बुक्स कौन कौन सी है तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ये एक बहुत ही रैंडम चीज लिखी हुई है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स लेकिन इसके अंदर आपका जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा हो जाता है कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में आपको कोल्ड वॉर के टाइम पे जितनी भी इवेंट्स हुए थे उन सबकी डेट याद होनी चाहिए रिलेवेंस याद होना चाहिए कि वो क्यों हुए थे कब आपकी बर्लिन वॉर बनी है कब आपके बर्लिन वॉर फॉल हुई है कौन सा आ, पैक्ट आपका बना है नाटो कब बना है सीटो कब बना है सेंटो कब बना है तो ये सब चीजें बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर अप होंगी जो कि आपको ऊपर से सिर्फ कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है उसके बाद आपका नेम आता है सार्क यू एन ओ आसियान ई यू तो ये तो आपको हंड्रेड परसेंट करके जाने हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है ठीक है इनके साथ साथ अगर हो सके तो थोड़े बहुत और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी आप पढ़ के जा सकते हो जैसे कि ब्रिक्स वगैरह है और ब्रिक्स को आप ज़रूर पढ़ के जाना ब्रिक्स को पढ़ के जाना सार्क को पढ़ के जाना सार्क इसमें भी दिया हुआ है आपका लेकिन ब्रिक्स को भी पढ़ के जाना थोड़ा बहुत आप जी सेवन जी सेवेंटी इन कंट्रीज को भी पढ़ के जा सकते हो उसके बाद आपका इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना पाकिस्तान एंड यू ठीक है तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस को पढ़ना है आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी खुद में क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए जैसे कि उसका आपका डॉक्टर पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है क्या और आपको करंट फॉरेन पॉलिसी भी पता होनी चाहिए कि करंट गवर्नमेंट की करंट फ़ॉरन पॉलिसी क्या है लुक ईस्ट क्या है लुक एक्ट ईस्ट क्या है और कौन से uh, पीएम की कौन सी फेमस फॉरेन पॉलिसी रही है नेबरहुड पॉलिसी किसकी है और क्या बोलते हैं आपका कौन कौन से न्यूक्लियर एक्ट हमने साइन कर रखे हैं किन किन कंट्रीज़ के साथ कर रखे हैं एन क्या होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स क्या होते हैं तो ये सब भी आपको इसके अंदर पढ़ना है तो जो आपको ऊपर से बहुत छोटा सिलेबस दिख रहा है ना ये वाकई में छोटा है नहीं ठीक है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप लोग को नहीं पता होती हैं तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको बताई है कि क्या चीज़ें आपको इनके अंदर कवर अप करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सके नेक्स्ट आता है आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में यहाँ पे खुद में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं तो अगर आप इनको भी करोगे तो बहुत होगा ठीक है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं नेक्स्ट आपका आता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में है पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल सिस्टम अप्रोचेस एंड मॉडल्स एंड टाइप ऑफ रजीम तो ये ये भी अंदर ही अंदर इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक करनी है लाइक आपको पावर पढ़ के जाना है और अप्रोचेस में आपकी बहुत सारी अप्रोच आती है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वगैरह भी सब आपको पढ़ना है इलेक्टोरल सिस्टम कितने टाइप का होता है टाइप ऑफ रजीम जिसमें आपका अथॉरिटेरियन टू टेलीटेरिज्म डेमोक्रेसी सब कुछ आता है ठीक है और आपको पावर तो जरूर जरूर पढ़ के जाना है हंड्रेड परसेंट पावर आप पोलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ोगे और पावर आप कंपेरेटिव में भी बढ़ोगे ठीक है क्योंकि आ, पावर से बहुत क्वेश्चन आते हैं लाइक like, जो आपके पावर के थिंकर्स हैं ना थिंकर्स और उनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइक परीटो मॉस्का और रॉबर्ट मिशेल तो ये सारे थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आता है आपका पब्लिक पॉलिसीज़ इन इंडिया पब्लिक पॉलिसी में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मॉडल्स प्रोसेस और टाइप्स ये तीनों मैंने अपनी एक वीडियो में कवर अप कर रखा है उसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी वो इनफ है आपका पब्लिक पॉलिसी के लिए और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कभी कभी रिसेंट पॉलिसीज पूछी जाती हैं तो उसके बारे में ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है जनरल इश्यूज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस जिसमें आपका ग्लोबल जस्टिस नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज आता है सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज़ हैं जो एक्ट्स हैं अग्रीमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे वो सारे आपको बताना चाहिए स्पेशली जो इंडिया ने साइन कर रखे हैं ठीक है ग्लोबल uh, जस्टिस में आपको uh, जो है जस्टिस के जो थिंकर्स हैं अगर आप उनको भी पढ़ लोगे उनकी बुक्स को पढ़ लोगे और अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है थोड़े से ग्लोबल इश्यूज तो उन उनपे ध्यान दे लोगे तो बहुत हो जाएगा ठीक है तो आई I मीन mean, मेरा ये सब चीजें समझाने का मोटिव सिर्फ फेक था कि सिर्फ आपको सिलेबस ओरिएंटेड नहीं रहना है लेकिन सिलेबस से आगे पढ़ना तब है जब आप इस सिलेबस को पूरा कवर अप कर लोगे ठीक है सिलेबस तो फॉलो करना ही करना है ये तो मस्ट है सिलेबस फॉलो करने के बाद जो मैंने एक्सर चीज़ें बताई हैं आपको उन पर जाना है ताकि जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको मिल सके ठीक है तो ये था आज के वीडियो में आपको न्यू पैटर्न समझाने का मेरा एक मोटिव था कि किन चीज़ों को फॉलो करके आप जो है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ पा सकते हो क्योंकि हो सकता है इस बार आपका ड्यूएट भी स्वेट के अंदर ही आ जाए सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो है ऑलमोस्ट हम अपनी एंट्रेंस गाइड प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का नहीं है या फिर जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कम समय में करना चाहते हैं या फिर कही कहीं ना कहीं बेस्ट मटेरियल खोज रहे हैं क्योंकि सब बच्चों को बुक से समझ नहीं आता है कितना पढ़ना है और कितना नहीं तो हम अपनी एंट्रेंस गाइड्स ऑलरेडी तीन लॉन्च कर चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम फॉर्म कर रहे हैं तो आपको वो कैसे मिल सकती है नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है आप उसको फ़िल कर सकते हो आ, या फिर हमारी जो एप्लीकेशन है एजोगेबर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और हमारा फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट दोनों ही उस पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है सो so, अगर आपको हमारा मटेरियल चाहिए तो आप नीचे गूगल फॉर्म को फ़िल कर लेना आपके साथ ड्राइव पर शेयर कर दिया जाएगा ठीक है सो so, आज के वीडियो से इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऑलरेडी जो एंट्रेंस 2023 है पॉलिटिकल साइंस उसकी प्रिपरेशन हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी हैं आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस डालना शुरू कर दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आगे आगे हम बाकी टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट आई और आई ए फॉरन पॉलिसी वगैरह सब कुछ हम कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो आप मेक श्योर sure करें कि चैनल के साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर sure करें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें सो so, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर